हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पे कवर कराए जा रहे हैं 2024 में। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम मतलब आप CGPSC प्री हो गया, मेंस हो गया, जितने भी क्वेश्चन और कंटेंट रहते हैं सभी आपका मेंस लेवल तक के जो है तैयार करता हूँ, ठीक है। सभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन पूरा फैक्ट के साथ जो है इसमें पढ़ाता हूँ। फैक्ट के साथ इसमें और क्या इसमें आपको जो है लाभ मिलेगा कि इसमें क्या आपको शॉर्ट टाइम में आपको जो है पूरा जो छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन जो है पूरा आपको रिविजन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, तो बढ़िया सेशन से जुड़ा करिए, बहुत फ़ायदा होगा आपसे, ठीक है जी। बाकी छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन इसमें तैयार किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास लगभग 5 पार्ट अपलोड कर दी हूँ, आज लास्ट पार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर को पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ व्यापम में हॉस्टन वार्डन, प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ पुलिस, इन एग्जामों का अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, टीचर भर्ती वगैरह, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो सब में आपको जो है छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो तैयारी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए, तो बाकी आप समझदार हो, स्टार्ट करते हैं सेशन को। किस काल में जो है छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं को अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया था, इनको चित्रों द्वारा अलंकृत किया था, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उत्तर पाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ठीक है। अब देखे होंगे उत्तर पाषाण काल के बारे में, कई बार मेरे सेशन में बताया, उत्तर पाषाण काल जो धनपुर, जो महानदी घाटी, ठीक है, धनपुर और महानदी घाटी जो उत्तर पाषाण काल के जो साक्ष्य यहाँ से स्थल से जो है प्राप्त हुई, जिसमें आपका निवास स्थान वगैरह प्राप्त हुआ है, बहुत सारे चित्र वगैरह अलंकृत किया गया, जिसमें मानव आकृतियों का चित्र वगैरह प्राप्त हुआ है, औजारों की जो है आकृतियाँ खुदी हुई यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर मध्य पाषाण काल में जाएंगे, कब्र पहाड़ जो रायगढ़ है यहाँ से जो है लाल रंग के छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर आदि की चित्रकारी वगैरह यहाँ से जो है प्राप्त हुए, और ठीक है, मध्य पाषाण के महत्वपूर्ण साक्ष्य जो लंबे फलक वाले औजार, अर्धचंद्र का लघु औजार वगैरह, ये सभी जो है मध्य पाषाण काल में आपका जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये सभी उसको आपको याद रखना है। अगर वही नवपाषाण अगर काल में जाएंगे, ठीक है, नवपाषाण काल में भी यहाँ पे अर्जुनी दुर्ग, चितवा डोंगरी, राजनांदगांव की यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है शैल चित्रित औजार वगैरह यहाँ पे जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी को याद रखना है आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन एक जो है कथन यहाँ पे जो है असत्य है। यहाँ पे जो है चार ऑप्शन दिए, कौन सा कथन असत्य है इसको जो है बताना है। तो ए है दक्षिण कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित है, बी है अवदान जो शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे तथा 3 माह तक श्रावस्ती में निवास किए थे, सी है कि छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी घाटी, रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्र पूरा पाषाणकालीन उपकरण यहाँ से मिले हैं, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सा जो कथन आपका असत्य है, तो सभी कथन आपके सत्य मतलब जो है सत्य हैं, सही हैं, इसका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाए, कोई भी जो है कथन असत्य नहीं है, ठीक है। इससे सभी को मैं जो है पूरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आपका सभी कथन आपका सत्य है। यहाँ पे जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर लगाएंगे, सारे डाटा आपको जो है पता रहेगा, तभी जो आंसर को लगाइएगा, ठीक है। तो ये सभी डाटा जो है आपको पता रहेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कौशल पर राज्य किया था, सोम वंश ने, नल वंश ने, कलचूरी वंश ने, या पर्वत द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोम वंश, ए ऑप्शन हो जाएगा। सोम वंश को और किस नाम से जानते हैं जी, इसी को जो है पांडु वंश बोलते हैं, ठीक है, पांडु वंश बोलते हैं। लगभग 6वीं से जो है 8वीं शताब्दी तक यहाँ पे जो है शासन किए थे। अगर देखेंगे इंद्रपुल ने जो है सरपुरी वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना की, या सोम वंश की स्थापना की, ठीक है, जिसमें अलग अलग जो है इस वंश के शाखाएं थी, जिसमें माइकल श्रेणी में सोम वंश, कांकेर का सोम वंश, सिरपुर का पांडु वंश, ओडिशा के सोम वंश, ये सभी जो है शाखाएँ हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो है पांडु वंश की, इसके शासनकाल में मतलब बताया मैंने अभी 6वीं से 8वीं शताब्दी तक के जो है सोमवंश पांडु वंश के शासनकाल रहा था, ठीक है। और शासनकाल में देखेंगे ये राजधानी जो है सिरपुर को बनाई थी इन लोगों ने, ठीक है, सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया था। सिरपुर जो पेटिका शीर्ष लिपि है, ये ताम्रपत्र यहाँ पर जारी किया गया था, ठीक है। संस्थापक इंद्रबल को इसका संस्थापक माना जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो उद्यान इंद्रबल, ईशानदेव, तिवरदेव, नन्न राजद्वीती, हर्षगुप्त बोलते हैं, ठीक है, ये सभी जो है पांडुवंश या सोमवंशी शासक हैं, ठीक है जी, तो आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि महाशिगुप्त निम्नलिखित किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नल वंश, पांडु वंश, पर्वत द्वारक वंश या कलचूर। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांडु वंश। ठीक है, तो महाशिगुप्त बालार्जुन, याद होगा आपको जो है इन्हीं के काल को, ठीक है, महाशिगुप्त बालार्जुन के इनका जो शासनकाल या इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, कहा जाता है जो पांडुवंशी महाशिगुप्त बालार्जुन ये जो सर्वाधिक समय तक शासनकाल इनका जो है रहा था, ठीक है, महाशिगुप्त का। और इनको परम महेश्वर यहाँ पे लिख देता हूँ, परम महेश्वर इस चीज़ के इनको लिए जो है उनको उपाधि दी गई है। ठीक है, इन्हीं के काल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग आए हुए थे, जहाँ पे सिरपुर और आपका मल्हार, ठीक है, सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी। ठीक है, बचपन में धनुष विद्या में जो है ये आपके निपुण होने कारण बालार्जुन कहलाए। इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण की। इनके समकालीन शासक हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, ये सभी इनके समकालीन शासक थे। ठीक है, और एक चीज़ और है कि एग्जाम में आप आ सकते हैं कि जितने भी पांडुवंशी शासक है सभी वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन ये यही एक शासक था महाशिगुप्त बालार्जुन, ये आपका कौन से धर्म को मानता था, ये जो है शैव धर्म को मानता था। ठीक है, ये बाकी जो शासक है ये आपके वैष्णव धर्म को मानते थे, यही अकेला शासक था जो आपको शैव धर्म को मानता था। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछे कि जो है महाशिगुप्त बालार्जुन जो है कौन से धर्म का अनुयायी था, तो ये शैव धर्म। बाकी जो जितने भी शासक हैं जैसे उदयन, इंद्रबल, ईशान देव, तिवर देव, नन्नराज द्वितीय, हर्षगुप्त, ये सभी जो है वैष्णव धर्म आएगा, इस कन्फ्यूज नहीं, यहाँ पर नोट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर लिख देते हूँ, ये आपका शैव धर्म को मानता था। ठीक है जी, ये आपके व्यापम फूड इंस्पेक्टर में आया हुआ है, ठीक है जी, और मंडी निरीक्षक में आया हुआ है, तो आपके ये आपके शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, बहुत यहाँ पर कन्फ्यूज आप हो सकते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको बार बार बता रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है, अभिधान, कांतार, ए और बी, और या डी है आपका सोरर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बोला जा रहा है कि महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है, इसको मैं बताया था महाभारत काल में बस्तर को या छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, उसी समय रामायण काल का भी बता, दोनों आपको पता होना चाहिए, जब मैं पढ़ाता हूँ तो पूरा डिटेल के साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, चाहे महाभारत काल का पूछे चाहे आपको रामायण काल का पूछे, ठीक है, आपको डाटा पूरा पूरा देता हूँ मैं। ठीक है जी, कहीं से भी क्वेश्चन उठाए आपको डाटा पता होना चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो महाभारत काल में अगर जाएंगे, ठीक है जी, बस्तर के अरण्य क्षेत्र को यहाँ पर जो है कांतार कहा गया, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगर वहीं, ये तो आपका मतलब बस्तर को कांतार कहा गया है, वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें कि जो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जो है प्राक कोसल कहा गया। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको प्राक कोसल बोला गया है छत्तीसगढ़ को, और बस्तर को कांतार कहा गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था और बस्तर को किस नाम। ठीक है, तो ये आपका महाभारत काल का तो मैं बता दिया, रामायण काल को बताइएगा कि बस्तर और छत्तीसगढ़ को किस किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज के स्पेशल आपके लिए जो है क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देख, अगला क्वेश्चन है कि पाली नामक जो स्थल के गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था, ये जो है पाली स्थल में जो है आपका अवस्थित है, दंतेवाड़ा में, रायपुर में, बस्तर में या कोरबा में, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कोरबा में स्थित है। ठीक है, तो आप बाणवंश जो है आप बाणवंश में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पाली जो कोरबा का अंतर्गत है, यहीं के जो गर्भगृह के द्वार में थे, उत्कीर्ण लेख से जो ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त होता है कि इस मंदिर में निर्माण जो विक्रमादित्य ये जो है बाणवंशी शासक है, इनके द्वारा पाली के जो मंदिर में जो है कोरबा में इन्होंने लगभग 9वीं सदी में जो पाली के शिव मंदिर है, शिव मंदिर है, भगवान शिव जी को समर्पित है। ठीक है, तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया, लेकिन इसका जीर्णोद्धार ये आपके कलचूरी शासक जाजल्लदेव प्रथम ने करवाया था। इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये आपका विक्रमादित्य ने कराया था। ठीक है जी, एक क्वेश्चन हो गए, इसका जीर्णोद्धार कलचूरी शासक किसने करवाया था, ये आपका जाजल्लदेव प्रथम ने कराया था। दो क्वेश्चन हो गए, ये जो पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। ठीक है जी, और त्रिपुरा के कलचूरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को इन्होंने पराजित कर इस वंश को पूरा समाप्त कर दिया था, फिर आगे देखेंगे तो। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बस्तर जिले के अड़ेंगा से
प्राप्त कौन सी जो मुद्राएं जो प्रमाणित करती हैं कि बस्तर जो है कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों को जो है शासन कर रहे हैं। कांस्य मुद्राएं, रजत मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है जी, तो बस्तर जिले के अड़ेंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ जो स्वर्ण मुद्रा है ये प्रमाणित करती है कि बस्तर के कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों को जो शासन कर रहा था, ये जो स्वर्ण मुद्रा है अड़ेंगा से जो प्राप्त हुई है, ये जिसमें वायु पुराण में भी इसका जो वर्णन किया गया है। तो ये नलवंशी जो शासक हैं इन शासकों को जो है शासन कर रहा है, ऐसा करके जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नलवंश जिसमें लगभग 4वीं से 12वीं सदी तक यहाँ पे जो है शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बस्तर पर नलवंश का शासनकाल रहा था लगभग 250 से 400 ईस्वी, 300 से 350 या आपको 500 से 1200 ईस्वी या 400 से 750 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, लगभग ये आपका 400 रहेगा। ठीक है, 400 से लेकर 1200 जो है ईस्वी तक जो है यहाँ पर जो है नलवंश का जो है शासनकाल रहा था। राजधानी जो है पुष्करी को, ठीक है, पुष्करी भोपालपट्टनम कोरापुट उड़ीसा को, और शासन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो दनकारण्य क्षेत्र जो उस समय महाकांतर कहा जा रहा था। ठीक है, तो नलवंश ने यहाँ पे जो है शासन क्षेत्र रहा था। आपसे संस्थापक पूछ सकते हैं कि शिशुक इस वंश के जो है संस्थापक माने जाते हैं नलवंश के। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक जो है वराहराज को बोला जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो संस्थापक आपको शिशुक लेना है, वास्तविक संस्थापक वराहराज। ठीक है, वर्णन वायु पुराण में मिलता है। ठीक, इस वंश की जो जानकारी। ठीक है, और यहाँ जो मुद्रा बताया ने अड़ेंगा से जो है यहाँ से जो है स्वर्ण मुद्रा नलवंश के प्राप्त हुई, इसमें व्याघ्रराज, वृषभराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन ये सभी नलवंश के प्रमुख शासक हैं। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नलवंश के संस्थापक कौन है, सरब, शिशुक, भवदत्त वर्मन या अर्थपति भट्टारक। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे जो है नलवंश के संस्थापक बोला जा रहा है, तो कौन हो जाएगा, तो नलवंश के संस्थापक आपका जो है शिशुक हो जाएगा। अगर वही वास्तविक संस्थापक बोलते तो यहाँ पे वराहराज आ जाता। ठीक है, यही आपको जो है नोट डाउन करना है। ठीक है, फैक्ट इसीलिए फैक्ट के साथ पढ़ा जो है पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोशलाधिपति को उपाधि धारण की है, उदयन, नन्न, महानन्न या महाशिगुप्त तिवरदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाशिगुप्त जो है तिवरदेव। ठीक है जी, तो ये जो है पांडुवंशी शासक थे। ठीक है, श्रीपुर के जो है पांडुवंशी शासक थे, इन्होंने सकल कोशलाधिपति को उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये जो कौन से धर्म के अनुयायी थे, ये आपका वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ये आपका जो है मेंस में व्यापम में क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इनको जो है सकल कोशलाधिपति उपाधि धारण की थी। पांडुवंश का विस्तार इन्होंने जो है कहाँ तक किया था, उड़ीसा तक किया था, बहुत शक्तिशाली शासक था। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि किस गुप्त शासक के दक्षिणापत अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाकटकों की जो है शक्ति को धक्का लगा था, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या इनमें से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में जो है इतना बार बताया हूँ तो आपको अभी तक रट गया होगा। ठीक है, तो गुप्त शासक दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाकटकों की शक्ति को धक्का लगा था। कहने का मतलब है यहाँ समुद्रगुप्त में बताया था, तो समुद्रगुप्त पहले जो एक गुप्तवंशी शासक थे। ठीक है, तो हरिसेन क्रिक जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसमें गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिणा विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के जो वाकटक वंश के जो राजा है महेंद्र सेन, किसको, महेंद्र सेन को हराया और महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था। ये जो है महेंद्र सेन और आपका व्याघ्रराज ये दोनों को जो है ना हराया था, किसने, समुद्रगुप्त ने। फिर महासमुंद के जो कोपरा जो नामक ग्राम में समुद्रगुप्त जो पत्नी है रूपा देवी के जो है साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल और महाकांतर को जीत करने के बाद, विजय होने के बाद जो है अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया था। ठीक है, तो ये आपका जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीतने के बाद जो है इन्होंने यहाँ पे जो है अपने जो है राजपाट को जो है सम्मिलित नहीं किया था। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक महापाषाणयुगीन अवशेष मिले हैं, सिंघनपुर से, घनौरा दुर्ग से, टेरम रायगढ़ से या चितवा डूंगरी राजनांदगांव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन जो धनौरा दुर्ग है यहाँ से जो है महापाषाण युगीन अवशेष यहाँ से जो है मिले हुए हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि जो है वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ को उल्लेख किस नाम से जो है हुआ है, कौशल, विध्यांचल, महाकौशल या छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैदिक ग्रंथों छत्तीसगढ़ को उल्लेख जो है कौशल के नाम से जो है उल्लेखित यहाँ पे किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक एक जो है मौर्य वंश के सम्राट थे, तो अशोक मौर्य सम्राट का जो है कोटाडोला सिंह जो इस समय किस नगर के समीप स्थित है, बिलासपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर या फिर आपका प्राप्त हुआ है अंबिकापुर से। ठीक है, तो अशोक के बारे में कई बार पढ़े होंगे इतिहास में। ठीक है, तो एक मौर्य वंश के जो है शासक हैं, इनका छत्तीसगढ़ के जो अंबिकापुर है जहाँ पर जो इनका एक स्तंभ मिला है जो है कोटाडोला सिंह के स्तंभ है, ये आपके अंबिकापुर से जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रख। और हमारे छत्तीसगढ़ में अशोक के भी बहुत सारे, जैसे प्राचीन छत्तीसगढ़ में देखें उत्तरी भाग में मौर्य साम्राज्य सम्मिलित है जिसकी पुष्टि अशोक के कलिंग शिलालेख से जो है नहीं होती है। मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का जो है अंग बना हुआ था। ठीक, मौर्य काल में आप पढ़ेंगे तो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दुर्ग जिले के बानाबरत, ठीक है, दुर्ग जिले के बानाबरत नामक स्थान से किस काल के मुद्राओं के प्राप्ति हुई, मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण वंश या गुप्त। इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दुर्ग जिले के बानाबरत, ये जो है बानाबरत ये आपका कहाँ से आता है, कौन से जिला में, दुर्ग जिला में। ठीक है, तो बानाबरत दुर्ग यहाँ से मतलब जो कौन से काल की मुद्रा प्राप्त हुई है, तो ये आपका गुप्त वंश के जो है गुप्त काल के जो है ये जो सिक्के बानाबरत दुर्ग एक और पिटईवल रायपुर से, दो जगह से आपके बानाबरत दुर्ग पिटईवल रायपुर से गुप्त काल के जो है सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा सेशन जी, ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।